हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल कम्पिटिटिव मैथ बाय इसके मैथ। हम लोग सीखेंगे मैथ पजल के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएँ जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिसे क्वेश्चन है 2 3 3 4 4-5 5-6, तो यहाँ दिया है 25, 23, 59 और क्वेश्चन मार्क। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पैटर्न को समझना पड़ेगा कि क्या किया इसमें। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 लिखा है, तो सबसे पहले हम लोग स्क्वायर और क्यूब करके देखेंगे कि इसमें पैटर्न में क्या चल रहा है। सबसे पहले हम लोग स्क्वायर करते हैं। 2 का स्क्वायर 4 + 3 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 - 3 घटाएंगे इतना होता है। क्यूब करके देखते हैं, जैसे 2 का क्यूब में 3 घटा देंगे तो 5 हो जा रहा है। ये 2 का क्यूब करेंगे -3 घटा देंगे तो आ जाएगा 5। इसी प्रकार इसमें करेंगे 3 का क्यूब -4 कर देंगे तो आ जाएगा 23। इसी प्रकार इसमें करेंगे 4 का क्यूब -5 कर देंगे तो आ जाएगा 59। इसी प्रकार इसमें भी करेंगे तो 5 का क्यूब -6 जब घटा देंगे तो 125 में 6 जाएगा तो आ जाएगा 119। तो क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा 119, इसका आंसर होगा 119। इसी प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है 2 + 3 = 11 है, 3 + 4 = 31 है, 4 + 5 = 69 है, 5 + 6 = क्वेश्चन मार्क है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। इसमें भी पहले हम लोग क्यूब करके देखेंगे, तो 2 का क्यूब करेंगे + 3 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और 3 = 11। इसी प्रकार हम लोग यहाँ करेंगे 3 का क्यूब + 4 जोड़ देंगे, 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और 4 = 31। इसी प्रकार यहाँ करेंगे 4 का क्यूब + 5 जोड़ देंगे, 4 का क्यूब 64 और 5 हो जाएगा 69। इसी प्रकार हम लोग यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 5 का क्यूब + 6, 5 का क्यूब होता है 125 + 6 = 131। तो इसका आंसर आ गया 131। इसी प्रकार हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है मैथ पजल के, इसमें दिया 4 + 9 = 6 है, 9 + 16 = 4 है, 16 + 25 = 20 है, 25 + 36 = क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क के जब जगह हमें निकालना है कि इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए 4 + 9 = 36 है। तो 4 जो है इसका हम लोग रूट निकालेंगे, 2 आएगा, इसका रूट निकालेंगे 3 आएगा, 2 और 3 को जब गुना कर देंगे इसका रूट निकालेंगे तो इसका रूट आ जाएगा √4 + √9 का हम लोग निकालेंगे तो आ जाएगा 2 × 3, तो हो जाएगा 6। इसी प्रकार यहाँ भी निकाल लेंगे 3 और 4 आ जाएगा, 3 और 4 को गुना करेंगे तो आ जाएगा 12। इसी प्रकार यहाँ करेंगे 4 और 5, इसका निकल जाएगा 4 25 का निकलेगा 5, 5 और 4 को गुना करेंगे आ जाएगा 20। इसी प्रकार यहाँ 25 में निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, इसका निकालेंगे आ जाएगा 6, 5 और 6 को गुना करेंगे इसका आंसर आ जाएगा 30। तो क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ हो जाएगा 30। इसी प्रकार हम लोग ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे दिया है 5 110 = 900, 15 = 3150 और 20 = क्वेश्चन मार्क है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले 5 = 100, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये या तो ये क्यूब हो रहा है या स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर में नहीं आएगा, क्यूब करके देखेंगे। 5 का क्यूब होता है 125, 125 में हम लोग 5 का स्क्वायर 25 घटा देंगे तो आ जा रहा है 100। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे 10 का क्यूब - 10 का स्क्वायर जब करेंगे, 10 का क्यूब होता है 1000 - 100 घटा देंगे तो आ रहा है 900। इसी प्रकार यहाँ हम लोग करेंगे 15 का क्यूब - 15 का स्क्वायर, 15 का क्यूब हो जाएगा 3375, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, इसको जब घटाएंगे तो आ जाएगा 3150। इसी प्रकार यहाँ हम लोग अब निकाल लेंगे क्या दिया है 20 का, तो 20 का क्यूब हम लोग करेंगे -20 का स्क्वायर करेंगे, तो 20 का क्यूब हो जाएगा 8000 - 400, इसमें
क्या करेंगे, 400 घटा देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 7600, इसका आंसर हो जाएगा 2600।